नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। नाभि की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। नाभि जब खिसकती है तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, नाभि जब नीचे खिसकती है तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं, PCOS हो सकता है, PCOD हो सकती है, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है, प्रोस्टेट ऑफ ग्लैंड्स हो सकती है, यानी कि प्रोस्टेट इलाज हो सकती है। नाभि दाएं जाएगी यानी कि आपके सीधे हाथ की तरफ जाएगी तो बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बार बार मोशन आपको लूज हो सकते हैं। नाभि जब लेफ्ट साइड में जाएगी तो कोलाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ये नाभि के सिम्टम्स हैं। नाभि जब अपनी जगह से खिसकेगी तो आपको बॉडी में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। नाभि को समझना है, नाभि को देखना है, नाभि को जानना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको मैं बताकर जाऊंगा, नाभि को दिखाकर जाऊंगा। कोड़ी की समस्या है, कोड़ी की समस्या अगर आपको हो जाती है तो कोड़ी की समस्या में आपके ऊपर छाती में जलन होने लग जाती है, भारीपन होता है, मीठी मीठी से दर्द बने रहता है, आपको खाना खाने में, निगलने में, पानी के निगलने में भी दर्द होता है, और यहाँ पर एक बेचैनी बनी रहती है, आपका खाना अंदर नहीं जाता है, मुंह में थूक आने लग जाता है, बार बार सटकने का मन करता है, और आपको एक भारीपन बना रहता है, आपका वजन लगातार गिरता चला जाता है। इसको अल्ट्रासाउंड कराने पर कई बार ये हाइटस हर्निया का भी कारण बन सकता है, हाइटस हर्निया का भी कारण बन सकता है, और यह आपकी हाइटस हर्निया एक दूसरे से लिंक है कि आपकी कोड़ी की समस्या और हाइटस हर्निया एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जब हाइटस हर्निया आपकी ईसोफेगस का साइज बढ़ जाता है, वहां पर हर्निएशन हो जाता है, तो वो कोड़ी को अपनी जगह से सप्रेस करता है, दबाता है, और कोड़ी अपनी जगह से हिल जाती है, और यहां इस हिस्से में आपको परेशानी आती है। इसी प्रकार नले की समस्या, नाभि से नीचे के नले की समस्या, आपके टाइट हो जाता है, नाभि से नीचे के हिस्से में एकदम ऐसा सख्त हो जाता है, पत्थर पड़ जाते हैं, रस्सी पड़ जाती है, एकदम गांठें पड़ जाती हैं, और आपको एकदम नीचे का भाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आप पेट फुलाना चाहते हैं, फूलता नहीं है, पेट पिचकाना चाहते हैं, पिचकता नहीं है, आप पेट की मांसपेशियों को मूवमेंट देना चाहते हैं लेकिन होता नहीं, कपाल भाती आपसे होती नहीं, आपसे मंडूकासन होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर गांठें पड़ गई हैं, वजन नहीं बढ़ता है, कोलाइटिस हो जाती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट रुक जाती है, आपको जब आप टेस्ट कराते हैं तो IBSD हो जाता है, IBSC हो जाता है, ऐसे IBSD और सी कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री के रूप में हो जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने में आपको बताऊंगा कि नले, नाभि, कोड़ी होते कहाँ हैं, उनका डायग्नोस कहाँ होता है, और ये किसी भी अल्ट्रासाउंड में नहीं आते हैं, दुनिया का कोई भी टेस्ट अभी तक नहीं बना है कि जो नाभि, नले और कोड़ी को जान सके, समझ सके, पहचान सके। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नाभि, नले और कोड़ी होते कहाँ हैं, उनका डायग्नोस कैसे होता है। 19 साल लगाए हैं मैंने इस फील्ड में, 19 साल का अनुभव दे जा रहा हूँ, 2 मिनट में दे जा रहा हूँ, इसको देखते रहिए, समझते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। चैनल को अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और इस तरीके की वीडियोस को अगर आप पसंद करें तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं कि नाभि, नले और कोड़ी है कहां। देखिए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी हेल्थ का काम करने वाला आपको इतने नजदीक से कभी नाभि, नले, कोड़ी को नहीं समझाएगा। ये देखिए, ये पेट की बाउंड्रीज हैं, ये पेट की बाउंड्रीज हैं, आप इनको समझ लीजिए, ये पेट की बाउंड्रीज हैं। ये देखिए, मैंने एक दायरा बनाया, एक बाउंड्री खींची है जो आपके पेट के बारे में बताएगी। पेट के ऊपरी हिस्से में अगर मैं यहाँ लिखूँ एक, ये है वन हिस्सा, ये वन हिस्से का जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये हमारा कोड़ी का डायग्राम है। आपकी कोड़ी यही होगी, इसको महसूस करिए, दान चने के, मटर के दाने के आकार की होगी, जैसे मैं यहाँ दबाऊंगा तो यहाँ कोड़ी में जो महसूस हो रही है, कोड़ी जब खिसकेगी तो उसका असर इतने ही दायरे में होगा। ये वन मैंने लिखा है, कोड़ी के लिए लिखा है, कोड़ी का हिस्सा ये है, इस हिस्से में ही तकलीफ होगी, इससे बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे कहीं नहीं जाएगी, ये कोड़ी का डायग्नोज आपको यहीं होगा। यहाँ अगर आपको कोई तकलीफ है, लगातार बनी हुई है, आपको मीठा मीठा सा दर्द बना रहता है, खाना निगलने में, पानी पीने में तकलीफ है, तो 101% एक बार कोड़ी को जरूर चेक करा लीजिए। नाभि का हिस्सा, नाभि ये है, ये टुंडी आप दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर अगर हम इसकी धड़कन को सुने तो यहीं पर धड़कन आपको महसूस होनी चाहिए। मैं यहाँ पर खाली पेट अगर इनको दबा कर यहाँ चेक करूँ तो यहाँ नाभि की धड़कन महसूस होनी चाहिए। अगर नाभि यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेगी, यहीं मिलेगी, बस
अगर मैं देखूं तो ये मैंने एक ऊपर सर्कल बनाया है, एक नीचे सर्कल बनाया है, एक दाएं बनाया है, एक बाएं बनाया है, और इसको मैं दो नंबर दे देता हूं। ये दो नंबर पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये सर्कल जो है, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच सर्कल के दायरे में ही आपकी नाभि होगी। इससे नीचे नहीं जा सकती, इससे ऊपर नहीं जा सकती, इससे दाएं नहीं जा सकती, इससे बाएं नहीं जा सकती। नाभि के इतने ही खिसकने से आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे। तो नाभि को जब भी चेक करेंगे इतने ही दायरे में चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं नले की समस्या, ये तीन नंबर मैं यहां लिखता हूं, ये तीन नंबर मैं यहां लिख रहा हूं, ये तीन नंबर जो है ये नले की समस्या है, ये नले की समस्या है, यहीं पर तो है नले। इनको देखिए ना, इनको महसूस करिए, ये टाइट हो गए हैं, रस्सी बिछ गई है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहां पर गांठें पड़ गई ही हैं। और आपका जो डायग्नोज है यहां पर आप कर रहे हैं, तो ये ना तो फूल रहा है, ना पिचक रहा है, ना ये फूल रहा है, ना पिचक रहा है, ये आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है। मैं चाहूं तो इस हिस्से को फुला नहीं पा रहा हूं। तो ये नलों का हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा नलों का हिस्सा है। अगर मैं बात करूं तो ये नाभि का हिस्सा है, ऊपर से ऊपर इनका कोड़ी का हिस्सा है। इस तरीके से इसको समझ लीजिए, इतना बारीकी से, इतना नज़दीकी से, इतना क्लियर आपको कहीं नहीं मिलेगा सीखने को। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, अपने लिए दे रहा हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ, आपके अपनों के लिए दे रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो आपने नाभि नले कोड़ी की सही जगह समझ ली होगी। अब मत कहना, मत पूछना, ना डायग्नोस कराना कि मेरी नाभि नले और कोड़ी है कहाँ पर, क्या मुझे नले की समस्या है, क्या मुझे कोड़ी की समस्या है, क्या मुझे नाभि की समस्या है। खुद चेक करिए, दूसरों का करिए, अपना करिए, अपनों का करिए, और हजारों रुपए बचा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बचा सकते हैं, सीटी स्कैन कराने के करा सकते हैं, क्योंकि नाभि नले और कोड़ी तो कभी अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में आनी ही नहीं है। फिर क्यों पैसे खर्च करने में लगे हो, जब मैं निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा जब मैं ऐसी वीडियोस को अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको शेयर कर दीजिए। हमारे साथ बने रहिए। आपके इस प्रेम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।